नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। इंडोनेशिया के जावा में हर 35 दिन में एक सेक्स फेस्टिवल मनाया जाता है। ये सैकड़ों लड़के लड़कियां जमा होकर अजनबियों संग शारीरिक संबंध बनाते हैं। जिस जगह पर ये लोग जमा होते हैं उसका नाम गुनंग केमुकस है और ये इंडोनेशिया में सेक्स के पहाड़ यानी सेक्स हील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग इस फेस्ट को मनाने का अजीबोगरीब कारण बताते हैं, जिसे जानकर आपको भी शायद अचंभा होगा। दरअसल इंडोनेशिया में मनाए जाने वाले इस सेक्स फेस्ट के पीछे उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी तकदीर संवर जाएगी। मान्यता है कि यहाँ एक राजकुमार अपनी प्रेमिका, जो उसकी सौतेली माँ थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उन दोनों की लाश इसी पहाड़ पर दफनाई गई है। इस प्रथा पर अध्ययन कर रहे सामाजिक मनोविज्ञानी कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोग एक तीर्थयात्री के तौर पर यहाँ आते हैं, जिनका मानना है कि यदि वे यहाँ अपनी कामुकता का प्रदर्शन करेंगे तो उनकी तकदीर सवर जाएगी। जानकर आपको जरूर अजीब लगा होगा, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों का ऐसा ही सोचना है। गुनुंग के केमुकस नामक सेक्स के इस पहाड़ पर हर 35 दिन के अंतराल के बाद अनुष्ठान होता है, जिसमें देश भर से लोग शामिल होने आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। पुराने जावनीज कैलेंडर के हिसाब से यहाँ 35 दिन चुने जाते हैं। अब रहस्यमय स्थान पर अंधेरा पसरने लगता है, तब पवित्र देवदारू पेड़ के नीचे कैंडल लाइट में चटाई बिछाकर लोग बैठ जाते हैं। विशाल अंजीर के पेड़ों की जड़ें लटकती रहती हैं और इसी दौरान यहाँ अजनबी संग संबंध बनाया जाता है। कहा जाता है कि युवराज पेंगेरन समुद्रो रानी नाई ओंत्रोवुलाना के साथ भाग गए थे। ओंत्रोवुलाना उनके पिता की पत्नी और सौतेली माँ थी। ये दोनों गुनंग के केमुकस के पहाड़ पर छिप गए थे। पहाड़ के दो पवित्र दरों में से एक में तीर्थयात्रियों का स्नान करना जरूरी होता है। इसके बाद वे किसी अजनबी की तलाश सेक्स के लिए करते हैं। बस तभी से ये रिवाज बन गया और आज तक ये जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।